Okay. Assalamu alaikum, everyone. This is your host, Ali Samu, and welcome to the Literary Society Ka podcast. And today we have with us Ms. Tanzila Kamrani. She, if you don't know who she is, which you should, but she is the first ever Chidi women elected as a representative for the provincial assembly. She's an MPA from Badin, from Matli, if I'm not wrong. And yes. She's here to talk to us about the many different things that are going on around the world and what their relationship is in and what their effect is in Pakistan. So Tanzila ji, thank you so much for joining us. Aapka bahut bahut shukriya. Main ye ek mahine se koshish kar raha tha ki kahin na kahin se you know aapke saath baat ho sake, kyunki hum aksar samajhte hain ki ek अभी हमने जो बात की, मैं उसी पॉइंट से लेना चाहूंगा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली, कि सिंस पाकिस्तान इज अ इस्लामी जमहूरियत, पीपल हु आर मुस्लिम्स वो मेजॉरिटी हैं और नॉन मुस्लिम्स वो माइनॉरिटी हैं. माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो सारा कॉन्वर्सेशन है वो ऐसे ऐसे चलता है पाकिस्तान में. लेकिन फिर उसके अंदर मुझे ये सवाल था कि अक्सर देयर इज अ डिस्कोर्स के अक्सर हज़ारा लोग, अक्सर शीदी कम्युनिटी, गिलगिती कम्युनिटी, बलोच, फाटा के जो रीजन के लोग हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ दीज कम्युनिटीज, इवन मकरानी कम्युनिटी इन बलोचिस्तान, देयर इज अ लॉट ऑफ दीज कम्युनिटीज जो कि मुसलमान तो हैं लेकिन बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल बैकग्राउंड्स और बिकॉज ऑफ देयर पोलिटिकल अफिलियशंस, बिकॉज ऑफ देयर रेस इवन, उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है. और ये सिर्फ क्योंकि अक्सर ऑब्वियसली हम लोग एक मुसलमान जमहूरियत में तो रह रहे हैं, लेकिन उसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस हैं, प्रैक्टिकलिटी में वो इतना ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता. मुझे ये सवाल था कि लीगली हम लोग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या माइनॉरिटी रेसेस और माइनॉरिटी एथनिसिटीज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए as minority races or ethnicities ya nahi? bismillah rahman rahim. pehle to bahut shukriya, mujhe aap ek maas se dhoond rahe the, otherwise main youngster ke sath program karna ya sitting karna bahut pasand karti hu. mera skill development mein maine youngster ke sath kuch 5 saal tak kaam kiya hua hai, to wo mujhe bahut acha lagta hai kyunki meri apni thinking ye hai कि आपके जो सो कॉल्ड मौलवी होते हैं या बहुत अच्छा समझने वाले खुद को, उससे हमारे यंगस्टर ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होते हैं और हमारे माशरे के लिए वो कुछ करना चाहते हैं. जहां तक मैंने यंगस्टर को या आपकी जनरेशन को देखा है, दे आर वेरी मच पॉजिटिव और वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने सिस्टम को लेकर वो जितना सेंसिटिव है, उतने शायद हमारे वो सो कॉल्ड गुड मैन जो है ना वो नहीं है. तो थैंक यू. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन. आपने खुद जैसे बताया कि ये जो कम्युनिटीज आपने बलोची, हजारा, शीदी कम्युनिटीज, ये सारी कम्युनिटीज हमारे यहाँ मेजॉरिटी में काउंट होती है क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं और मुस्लिम कंट्री में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बेसिस ऑफ द मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम बेस पे होती हैं और राइट्स भी और प्रिविलेजेस भी. पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिनॉरिटीज को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस देता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बहुत ज्यादा राइट्स हैं. अब इस तरह से हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके लिए एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हो सकता है कहीं हम मिस कर जाते हो, लेकिन उनके राइट्स अलग से और बेहतर से हैं, इसलिए उनके लिए बजट में अलग से पोर्शन रखा जाता है. हमारी अलग मिनिस्ट्री है मिनॉरिटी की जो सारे मेजर जो है ना उनको डील करती है. तो इस तरह से मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है. मेजॉरिटी हमें अपना मानने के लिए तैयार नहीं है. हमें मतलब मेजॉरिटी के लिए जो स्पेस है वो मेजॉरिटी हमें देने के लिए तैयार नहीं. हमारे बच्चे स्कूल में प्रॉपर जा नहीं रहे कि वो मेजॉरिटी की एजुकेशन ले सके. अच्छा, मिनॉरिटी के लिए ये थोड़ा स्पेस रखा हुआ है कि एजुकेशन में अगर वो कम भी हैं तो उनके लिए कोटा अलग से रखा हुआ है. अब हमारे बच्चे कोटा तो इतना पड़े हुए हैं कि वो मिनॉरिटी के बच्चों के कोटा में जाने चाहिए, लेकिन वो वहाँ मिनॉरिटी में जा नहीं सकते. मेजॉरिटी के कोटा में परसेंटेज के वो एल नहीं बन पा रहे, इसलिए हम बीच में पिंडोलियम बन गए.
हम ना तो प्रिविलेजेस एक्सेस कर पा रहे हैं मिनोरिटी के, और ना ही हमें मेजोरिटी का कुछ मिल पा रहा है, या जिस ना ही हम उसके काबिल बन पा रहे हैं। एटलीस्ट हमारे में कुछ टाइम दे दिया जाए, हमारे लिए कुछ टाइम फ्रेम तय कर लिया जाए ताकि हम उसमें कुछ कर सकें। ये मैं अपने सिर्फ सिंध और पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रही, यूएन नेशन ने ऑलरेडी एक डिकेट, मैं शीदी कम्युनिटी या ब्लैक पे आ जाऊं तो यूएन ऑलरेडी ये स्टेप ले चुका है। उन्होंने 10 ईयर 2015 टू 25 अफ्रीकन बेसिन के लिए अनाउंस कर दिया है, और जो भी कंट्रीज सिग्नेटरी हैं यूएन में, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, तो पाकिस्तान भी बाउंड है कि वो इस टाइम में इन 10 सालों में अपनी पॉलिसीज ब्लैक या शीदी या बलोची को लेकर अलग से तय करे, चाहे एजुकेशन में हो या फाइनेंशियल हो या जॉब मैटर के लिए उनके लिए अलग से स्पेस कायम करे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस बात को अहमियत नहीं दी। 2015 से लेकर अब तक हमें वो किसी भी तरह की पॉलिसी नेशनल लेवल पे नहीं की गई, जिसकी वजह से मैं बार बार यूएन को ये करती रहती हूँ कि आपने, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात है, आप अपने सिग्नेटरीज को ये याद तो दिलवाएं कि आपने 10 साल अफ्रीकन डिसन के लिए रख चुके हैं, जो कि 50% पूरे होने जा रहे हैं, आपने अभी तक उसके लिए क्या किया है, एटलीस्ट आप इसको डिस्कस तो करें, अपने फोरम पे तो लेकर आए। आपने बहुत अच्छा किया है कि 10 साल एक कम्युनिटी को दे दिए हैं, अपना अच्छा खासा उन्होंने बजट में अनाउंस होता है जो अफ्रीकन डिसेंट या ब्लैक है उनके लिए इतने पैसे उनके लिए रखे जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी हेल्थ के लिए, प्रमोशन के लिए उनके लिए रखे जाएंगे। अमेरिका डिसाइड कर रहा था लास्ट डे, लेकिन व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, बाकी मुल्कों में कोई बात डिस्कस नहीं हो रही। तो अब यहाँ यूएन जैसी कंट्रीज आगे आएंगी जिनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनली, अब हम हर जगह पे तो बिलावल को नहीं ढूंढते फिरेंगे, या जब हमारे पास इलेक्शन हो इस तरह के कोई हमारी, मैं बीइंग अ पीपल्स पार्टी एमपीए, मैं अपने चेयरपर्सन को या अपने चेयरमैन को कह सकती हूँ, लेकिन वो ये चीज सिर्फ सिंध तक हो सकती है, ये नेशनली ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ सिंध में नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान में थोड़े बहुत बैठे हुए हैं, और फाइनली जवाबदेह हमारी नेशनल गवर्नमेंट है। तो कहने का मतलब है कि मैं खुद चाहती हूँ कि जो इस तरह की कम्युनिटीज हैं जो कि पेंडोलियम की तरह दोनों जगहों के बीच में चल रही हैं, उनको एक अलग से स्पेस देना चाहिए ताकि मतलब वो आगे बढ़ सके। हो सके तो वो सिर्फ कुछ टाइम फ्रेम के लिए दे दें, जैसे यूएन ने कुछ एक टाइम फ्रेम रख लिया है, उसके बाद थोड़ा वो एस्टेब्लिश हो जाए तो बैक सिर्फ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, लेकिन आप उनको किसी जगह पे खड़े होने के काबिल तो बना लें ताकि वो उस रेस में आगे चल तो सके। नो बिल्कुल, आई थिंक यू आर राइट कि बिल्कुल एक लीगल फ्रेमवर्क देना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए, बिकॉज अभी फिलहाल माइनॉरिटी कम्युनिटीज एक लिम्बो में फंसे हुए हैं, राइट, एक बीच के स्पेस में फंसे हुए हैं। एंड वी शुड ऑल्सो पॉइंट दिस आउट कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज कलेक्टिवली are a very large number, ek bahut bada number hai, right? The Shidi community, agar if we add all of these communities up, the Shidi community, the Baloch community, the Hazara community, the transgender community, the Gilgit, entire Gilgit community, all of these communities comprise of a very large number, and this number can't simply be ignored. Isko itna easily ignore nahi kar sakte aap. Another point what you discussed, एक और point था कि आपने बोला कि अमेरिका में एक legal framework एक उठ रहा है, right? People are rising, एक protest हो रही है Black Lives Matter की, एक बड़ा सा हमने अभी पिछले दो हफ्तों में एक बड़ी movement देखी है, लेकिन मुझे जहां तक मैं देख रहा हूँ इसे, जो legal framework अमेरिका में था until the 50s and 60s, 1950s or 60s tak, jahan segregation ke laws constitution mein dhase hue the, constitution mein established hai, racial segregation ke laws sirf public discourse mein hi nahi balki lawfully established hai, ke jo people of color hain, black people or hispanic people, वो लोग इधर घर नहीं ले सकते, वो लोग इधर जॉब्स नहीं कर सकते, वो लोग इधर पानी नहीं पी सकते, ये सारे, वो लोग इधर स्कूल नहीं जा सकते, ये सारे जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में आई डोंट नो सो फार बट आई हैवंट सीन एनी लॉज इन हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट हुए हों, राइट? पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट हैज ऑल बिन मोर इनफॉर्मल, के सिंध में फॉर एग्जाम्पल फ्यूडलिज्म एक लॉ की तरह माना जाता है, इंटीरियर सिंध में
कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं वडेरे और उनके उनके अंडर जो फैमिलीज आती हैं वो सदियों से उनके अंडर जो फैमिलीज आ रही होती हैं वही आ रही होती हैं, वही मतलब परसिस्ट कर रही होती हैं जिस तरीके की उनकी कंडीशन को रखा जाता है, राइट। मैंने आपकी टेड टॉक सुनी थी एंड आपने मेंशन किया था ये कि देयर आर मेनी वुमेन जो आज भी वैसी ही जिंदगी गुजार रही हैं जो 300 साल पहले गुजार रही थी उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर, उन्हीं कंडीशंस के अंडर, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि इज द सिंध गवर्नमेंट एटलीस्ट, क्योंकि आप पीपीपी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इज द सिंध गवर्नमेंट डूइंग समथिंग और इम्प्लीमेंटिंग सम फॉर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स और पॉलिसीज लीगली जो इस फ्यूडलिज्म के सिस्टम को कम करें या फ्यूडलिज्म के सिस्टम को टैकल करें? बिल्कुल, पहला जो सिंध या पीपीपी, क्योंकि सिंध में वही गवर्नमेंट है पीपीपी की, तो फर्स्ट स्टेप तो पीपीपी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे एमपीए बनाकर ये एक दिखा दिया, एक टैबू खत्म कर दिया ना कि एक ब्लैक लेडी असेंबली में आ सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं किया कि असेंबली में लाके आपको कॉर्नर पे बिठा दिया कि जब येस हो तो आप टेबल ठक ठक करें और जब नो हो तो आप नो करें बस, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुझे स्टेयरिंग कमेटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स का चेयरपर्सन बना दिया। एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के चेयरपर्सन स्टेयरिंग कमेटी की, जो कि आपकी सारी यूनिवर्सिटीज की जो भी पॉलिसीज या यूनिवर्सिटी जो सिंधपुरी में जो यूनिवर्सिटीज बननी है नहीं बननी, वहाँ क्या होना है और क्या नहीं होना, इस तरह से आइंदा जो हमारी टेक्निकल और हमारी जो हायर एजुकेशन प्लान होगी वो सब की जिम्मेदारी मुझे देकर ये बता दिया कि हम लोग भी एक बीइंग अ शीदी लेडी वो एक जिम्मेदारी का काम कर सकती है, वो इस लायक है। और हमारे यहाँ पूरी असेंबली में सिर्फ स्टेयरिंग कमेटी की फीमेल दो हैं और उनमें से एक मैं हूँ, तो मतलब एक तरह से उन्होंने एक तो टैबू खत्म किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि शीदी कम्युनिटी को उनकी बजाय कलर और उनकी सिर्फ फिजिकल फीचर्स के बजाय उनको दूसरी तरह से उनके माइंड से उनको देखा जाए और उनको यूटिलाइज किया जाए, दे आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। एंड देन दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि हमारे जब एजुकेशन प्रॉब्लम मैंने ऑन द फ्लोर, शीदी कम्युनिटी की मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशन का मसला होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको बुली किया जाता है, उनको ये रियलाइज करवाया जाता है कि आप तो बिल्कुल यूजलेस चीज हो मुआशरे की, आपने कल जाके किसी के बर्तन वर्तन साफ करने या किसी की चोरी लड़कों ने करनी है, इस तरह का उनको, और इस तरह बच्चे स्कूलों से भाग जाते हैं, ड्रॉप आउट हमारा बहुत ज्यादा है, बच्चे हमारे स्कूलों में तो जाते हैं, पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो स्कूल में डाल के भूल जाते हैं कि भाई हमने इसके पीछे भी देखना है कि उसके साथ स्कूल में क्या हो रहा है, उनके पास इतना उतनी गुर्बत की वजह से वो आटे रोटी के चक्कर में उनको ये नहीं कि रोज जाके स्कूल में पूछें कि बच्चे पे क्या गुजर रही है, फाइनली बच्चे स्कूल को क्विट कर जाते हैं और फिर वो जिस क्विट करते हैं उस नाउमीदी मायूसी और खुद को एक यूजलेस पार्ट ऑफ द सिस्टम समझते हुए, और फिर यकीनी बात है कि वो नेगेटिविटी में बच्चे चले जाते हैं। अब जो बच्चा स्कूल से खुद को ये जिसको कहा जाए कि भाई तुमने क्या करना है पढ़ के, तुमने तो यकीनन पढ़ना नहीं है उस तरह, और या बच्चे उसको कहें शीदी उसको कह के चलाए सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि तुम नीचे हो, तुम कोई बेहतर इंसान नहीं हो, उसके फीचर्स पे बात की जाए, ये चीजें जब मैंने ऑन द फ्लोर डिस्कस की तो ऑन द फ्लोर ये पूरा मतलब एक तरह से फेवर मिला शीदी कम्युनिटी को कि मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ये कहा कि अब अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह की बुली करते हुए कोई भी टीचर मतलब पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, ना सिर्फ एक्शन बल्कि उसकी जॉब जाने तक का, ये मतलब उन्होंने स्टेटमेंट कहा। और उसी टाइम उन्होंने कहा कि ये कानून होगा सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन का कि कोई भी टीचर बच्चे को बुली करते हुए शीदी बच्चे को पकड़ा गया या किसी टीचर की वजह से शीदी बच्चा स्कूल से आउट हुआ, इस बात ये साबित हुआ तो उस टीचर की जॉब तक की उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी अपकमिंग मतलब जनरेशन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं होती, बच्चे किसी तरह से घिसड़ बिसड़ के आगे निकल जाते हैं, वो अगर यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाते हैं उसके बाद उनका क्या होता है, वो सबसे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में ब्यूटी बड़ा मैटर करती है,
तो वो सबसे पहले कोई गोरी चिट्टी लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी कोई गरीब सी लड़की हो, लेकिन उनको ये होता है कि जो ये हमने जिस तरह की मुश्किल सही है मेंटली, जो मतलब हमने परेशानी पूरे एजुकेशन कैरियर में सही है, कम से कम हमारे बच्चों के फ्यूचर्स चेंज हो जाएंगे तो ये तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो हमारे बच्चों को नहीं सहना पड़ेगा। मतलब इस तरह से हमारी जो लड़कियां हैं वो कुंवारी रह जाती हैं। हमारे घर में अगर किसी के में चार लड़कियां हैं तो उसमें से दो कम से कम आपको कुंवारी मिलेगी, इसलिए कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं, अगर वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं तो फिर तो हमारे यहाँ ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वो सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, किसी भी घर में चार हैं तो दो आपको इसलिए कुंवारी मिलेंगी कि उनको कोई पढ़ा लिखा मर्द नहीं मिल रहा हमारी कम्युनिटी से। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान में ब्यूटी बड़ा मैटर करती है, जो नॉन शीदी लड़कियां हैं जो खूबसूरत नहीं है वही बैठी रहती हैं, तो नॉन शीदी मर्द तो हमसे शादी करेगा नहीं। जो शीदी लड़का है वो ढूंढ रहा है कोई ऐसी जो उसको अच्छे बच्चे पैदा करके दे। इसलिए हमारी बहुत सुलझी हुई प्यारी सी लड़कियां जिनकी बहुत अच्छी सी थिंकिंग है, जो तंजीला से बहुत ज्यादा बेहतर है, वो घर में बैठी रह जाती है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था अबाउट कलरिज्म, के पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में एक अब फिर से एक और कॉन्वर्सेशन चली है, एटलीस्ट यू नो इलीट और लिबरल सर्कल्स में, कि फेयर एंड लवली टाइप की क्रीमों को बैन किया जाए और ब्राउन इज ब्यूटीफुल और यू नो कलर को अपने कलर को रिक्लेम किया जाए। जैसे आपने बोला शुरू में कि मुझे दो तीन पॉइंट्स करने हैं इधर, कि एक तो आपने शुरू में हमारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग से पहले आपने बोला कि व्हेन आई आस्क्ड यू कि इज द टर्म शीदी अप्रोप्रिएट, and you said if the intention is right then it's appropriate because it's an identity, right? So ye identity jo hoti hai ye reclaim karne ka masla hota hai na hamesha, ke agar agar for example there are many minority communities jisme ek racial slur bola jata hai, lekin wo racial slur jo hai wo historically demonize karne mein use hua jata hai, lekin ab jo hai wo slurs reclaim ho rahe hain, right? Similarly, the term Shidi is also being reclaimed by the African population of Pakistan. And then the color ka bhi bahut bada masla hai, kyunki hum log ek colonial hangover mein hai abhi, right? Ek colonized mentality mein abhi tak hai, hum log deny nahi kar sakte, hum log itna zyada ghus chuke hain us cheez mein ki decolonize hona kafi mushkil hai, lekin processes chal rahe hain. To usi sense mein I think the word Shidi, the term can also be reclaimed, that the color brown can also be reclaimed, the language Sindhi, Urdu, all of these can also be reclaimed, right? Education ke point aapne ka point aapne raise karke bahut you know it was really nice, because mujhe bachpan mein I just want to share this personal anecdote, ke when I was in kindergarten, main KG mein tha, main idhar local school mein jaya karta tha, hamare pados mein ek government school tha, wahan par meri jo pehli teacher thi she was black, right? She was from the Shidi community and wo hamare pados mein rehti thi aur udhar hi job karti thi, to main unhi ke sath roz wapas ghar bhi aaya karta tha. I used to walk back with her and like unke ghar se hamara kafi you know taluq tha, and she was my first teacher, to unki memories kafi strong hai mere dimag mein. Nursery mein mujhe unhone padhaya, KG mein mujhe unhone padhaya, lekin uske baad maine school shift kar liya, lekin phir bhi the first teacher that I had, she was black, right? And I think because of that, कि मेरा पहला इंटरेक्शन मेरे बचपन में देयर वाज आई सॉ अ डाइवर्सिटी आई सॉ अब बचपन में आपको ये डाइवर्सिटी का मतलब तो नहीं पता होता ना, बचपन में यू डोंट नो व्हाट डाइवर्सिटी मींस, यू डोंट नो कि डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक चलती है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन में चीजें इंटरनलाइज होना शुरू हो जाती हैं, जो चीजें आप बड़े होके इग्नोर नहीं कर सकते वो बचपन में होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर पीपल ऑफ कलर, अगर पीपल ऑफ different ethnicities, people of different racial backgrounds, people of different opinions, people of different identities, agar bachpan se bachchon ko padhaye aur bachchon ke lives mein you know dikhe, right, even the inclusion disappear na ho, to I think aage ki generations kafi 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 unhe wo ho sakta hai, kafi you know it can better a whole new generation. Lekin people who were out in the margins, logon ko disappear ho jata hai na log, क्योंकि हमारा यू नो सोसाइटी का फ्रेमवर्क ऐसे 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 चलता है कि सर्टेन कम्युनिटीज जस्ट डिसअपीयर एंटायरली, तो वो डिसअपीयर्ड कम्युनिटीज जो हैं, वो जो हिडन कम्युनिटीज हैं, उनको फोरफ्रंट में लाया जाए, उनको मेनस्ट्रीम जॉब्स दी जाए, उनको एजुकेशन में लाया जाए, उनको यू नो वी नीड टू सी देम, उनको देखा जाए, दे नीड टू बी सीन, फिजिकली सीन,
क्योंकि सो मेनी कम्युनिटीज आर जस्ट नॉट फिजिकली सीन, हम लोग देखते ही नहीं है, राइट? सो मेनी कम्युनिटीज आर स्ट्रेट अप जस्ट इग्नोर्ड. कि इसको इसको मिशेल फूको बोलता है ना कि द अदर, द शैडो. बड़े देयर आर मेनी फिलोसोफर्स हु टॉक अबाउट दिस थ्रू आउट हिस्ट्री. के हम लोग भाई मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात आ जाती है कि द माइनॉरिटी इज ऑफन मार्जिनलाइज्ड टू सच एन एक्सटेंट कि दे आर अदराइज्ड. कि वो बस हमारे यू नो एक एक अलहदा कुछ, एक इनविजिबल एक चीज बन जाता है कि वो पार्ट है लेकिन हमें पता नहीं है उसका और हम ना ही उससे इंटरेक्ट करेंगे उस पार्ट से. तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि पीपीबी की गवर्नमेंट इज प्रीटी वेल नोन फॉर इट्स इंक्लूजन, राइट? वो इंक्लूजन के लिए काफी काफी मानी जाती है, वो प्रोग्रेसिव थॉट के लिए काफी मानी जाती है. आई वॉन्टेड टू नो कि आपने एजुकेशन रिफॉर्म्स का तो ये बात की कि बुलिंग और यू नो दे कैन द टीचर्स कैन गेट फायर्ड अगर अगर वो डिस्क्रिमिनेट करें और ऐसी कुछ भी हरकत करें, राइट? लेकिन आर देयर सम मेजर्स बीइंग टेकन जिसमें एक्टिव इंक्लूजन का यू नो का कोई 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 रद्द अमल सामने हो? कि जैसे आपको लाया गया टू द फोर फ्रंट, आपको एक MBA बनाया गया, क्या ऐसी प्रॉपर ऐसी कोई मूवमेंट्स चल रही हैं, ऐसी कोई प्रॉपर रिफॉर्म्स चल रहे हैं जिसमें ट्रांस कम्युनिटी, जिसमें शीदी कम्युनिटी इन सिंध एटलीस्ट, जिनको मेन स्ट्रीम जॉब्स में इंक्लूड किया जा रहा हो, या उनका कोई कोटा सिस्टम कुछ ऐसा किया जा रहा हो? क्या ऐसा कुछ हो रहा है इधर, इवन प्राइवेट सेक्टर में? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है सोसाइटी का. अमेरिका के इंसिडेंट ने ये बड़ा मतलब किया है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सामने आ गई हैं इंटरनेशनली. हम वैसे ही हमारा जो मुल्क है, हमारे लोग हैं, वो अमेरिका से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और हमारे वहाँ को लेकर हमारे यहाँ डिसीजन किए जाते हैं. ये सिर्फ पॉलिटिकली या नेशनल लेवल पे नहीं, हमारे घरों तक वो चीज़ नजर आती है. इसका ये हुआ है कि अब चाहते हैं हम पीपल्स पार्टी में भी हम ये काम कर रहे हैं कम्युनिटी को, या हमारी जो इस तरह की कम्युनिटी है जो इग्नोर जा रही है. हालांकि हमारे तो आप बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो हमें जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, इसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि उनको जो मैं बात कह रही हूँ इस पे हम ऑलरेडी अपना होमवर्क हमने शुरू कर दिया है हम पार्टी के, उस पर हम कुछ आगे जाके इस पे लेजिस्लेशन में काम करेंगे. आपने जो बात की कि आपके बचपन में आपकी टीचर ब्लैक रही हैं या शीदी रही हैं और इसलिए आप बहुत क्लोज हैं, मैं एक और बात ऐड करूंगी इसमें. एक तो आपकी तरबियत का, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा मतलब इसमें हाथ है ना, कि आपकी फैमिली ने आपको ये रियलाइज नहीं करवाया कि आप अलग हो और वो आपकी टीचर है वो ब्लैक है. तो ये बहुत मैटर करता है. अगर हमें कुछ चेंज लाना है बेसिकली, तो वो यहीं से ही आएगा. जब तक हम बड़े ये रियलाइज नहीं करवाएंगे बच्चों को, हमारे साथ तो यहाँ तक होता है कि हम अगर शॉप में पहले से एक औरत खड़ी हुई हो दो बच्चों के साथ, मैं मतलब तंजीला MPA चली जाऊं शॉप में, उसे ये पता नहीं हो कि मैं MPA हूँ, मैं अगर चली जाऊं तो औरत सबसे पहले क्या करेगी, अपने बच्चे को जोर से पकड़ेगी, अपनी हैंडबैग को चाहेगी कि वो सेफ साइड पे आ जाए. मीन्स के मैं अगर वो किसी शॉप में खड़ी हुई है या किसी यूटिलिटी स्टोर या जनरल स्टोर पर खड़ी, अगर वो सामान लेने आई है, तो यकीनन मैं भी वहां पे यही काम करने आई होंगी. लेकिन एक औरत से ही वो इतनी इनसिक्योर फील होगी, और उस बच्चे को जो देखेगा कि एक औरत के इंटर होने के बाद उसकी माँ ने उसको बाजू से जोर से पकड़ लिया है या आपने करीब कर लिया है उसको, तो उस बच्चे के पास क्या मैसेज जाएगा? कल वो जब किसी शीदी बच्चे को या शीदी औरत को देखेगा तो वो क्या मतलब एक साइलेंट मैसेज उसकी मदर ने को ट्रांसफर कर दिया, जो कि सारी उम्र के लिए उसके साथ रहेगा और आगे चल के वो कई शीदियों के लिए मुसीबत बनेगा. तो ये आपकी लकी हो, आपके इस तरह के आप फैमिली में नहीं थे, लेकिन चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक हम उसे इस लेवल तक ये साइलेंट मैसेजेस देना बंद नहीं करेंगे. जैसे मैंने आपको कहा था कि शीदी लफ्ज से हमें नफरत नहीं है, शीदी लफ्ज बुरा नहीं है, वो हमारी पहचान है. लेकिन आप उसी शीदी को इस तरह से उस बच्चे के बालों से पकड़ते हुए कहो कि इधर हो जाओ शीदी औरत आ गई है, तो मतलब अब आपने उसको कास्ट नहीं की, अब आपने उसको गाली बना दिया, अब आपने उसको एक पहचान नहीं छोड़ा, अब आपने उसको एक थप्पा लगा दिया, एक उसके लिए एक स्पॉट बना दिया कि मतलब ये इस शक्ल की इस फिजिकल अपीयरेंस का बंदा बंदी बच्चा
जब नजर आए उससे दूर रहना है, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत करना। लेकिन अभी तक किसी शीदी ने किसी मतलब इस तरह की एक्टिविटीज में पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल आपने कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ज्यूम कर लिया। अच्छा दूसरी बात ये कि अब मैं क्योंकि हर तरह की जगहों पे जाना होता है, किसी अपर क्लास के मार्ट वगैरह में चले जाएं तो वहां पे हमें बड़ी इज्जत मिलती है, वहां क्यों इज्जत मिलती है, वहां समझा जाता है कि हम फॉरेनर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब पाकिस्तानी शीदी के लिए जगह नहीं है, पाकिस्तानी शीदी के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप किसी हाई फाई मॉल में मैं चली जाऊँ और मतलब मेरा ठीक ठाक ड्रेस किया हुआ हो तो मुझे वहां पे बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा कि आप भी अच्छा ये शॉपकीपर भी दो को छोड़ के मेरे पास आ जाएगा और कोशिश करेगा अपनी जैसे जैसे इंग्लिश है स्टार्ट उसमें ले, और अगर मैं उर्दू में बात कर रही हूँ तो फाइनली मुझसे ये जरूर पूछेगा आप कहाँ से हो, आपकी उर्दू इतनी अच्छी क्यों है। मतलब कहने का मतलब है कि उनको ये बुरा नहीं लगता, ये कलर ये शेप शायद इतना बुरा नहीं लगता जितना उनको अपने शीदी बुरे लगते हैं। प्रिंस गेल उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे खड़ा नजीर अहमद उनको जरूर बुरा लगता है शीदी जो है। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास बाउंड्रीज और उनके रिएक्शन का बहुत बहुत इशू होता है कि पीपल हु आर जो लोग फॉरेन मीडिया से वाकिफ हैं, जो लोग अमेरिकन हॉलीवुड मीडिया और ब्रिटिश मीडिया और जो भी फॉरेन मीडिया है अगर उससे वाकिफ हैं या और ये वाकफियत अक्सर अपर क्लास रखती है, अपर मिडिल और अपर क्लास हॉलीवुड से वाकिफ होती है या देर या फॉरेनर्स से बेसिकली उनका इंटरेक्शन होता है और व्हाटएवर एल्स, राइट? I think this also plays a very big role that there is no representativeness in the media, in the mainstream media for Pakistani minorities. Because Pakistani movies, drama, jitne bhi hote hain, jo bhi hote hain, unme maine kabhi nahi dekha ke koi minority represent hua ho, koi ek do shayad drama honge jisme you know transgender rights ke bare mein baat ki gayi hogi, lekin other minority communities I've never ever seen anything that shows people, right? Because our locals, jo hain, our middle class, our lower class, jo bhi locals hain hamare, wo to hum TV dekhte hain na, wo Jio News dekhte hain, right? Wo BBC to nahi dekhte, wo you know HBO to nahi dekhte, wo obviously ARY dekhte hain, wo yehi local movies dekhte hain, yehi you know Bambino cinema mein jaate hain aur they watch these local movies, which is good, but in is local level tak जब तक रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं आएगी तब तक हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट? तब तक कैसे सोसाइटी में एक इंक्लूजन कैसे कैसे पैदा होगी? क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर आप डॉलमेन मॉल में जा रहे हैं, वहां पे सारे लोग जो आ रहे हैं दे बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास, एंड वहां पे जो शॉपकीपर्स हैं वो उस क्लास को केटर करने के लिए यू नो ट्रेन हुए हुए होते हैं, राइट? एंड दैट क्लास ऑब्वियसली हैज अ होल लाइफ स्टाइल, वो क्लास डिस्क्रिमिनेट करे ना करे अपने दिमागों में लेकिन आर वेल अवेयर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, राइट, ऑफ सर्टेन रेसेस, लेकिन उस क्लास तक को पता नहीं होता कि पाकिस्तानी लोकल माइनॉरिटीज का क्या हाल है, क्योंकि वो क्लास भी इंटरैक्ट तो नहीं करती, वो क्लास भी मतलब इट्स अ वेरी डिस्टर्ब सिचुएशन। एंड आपने जो इंसिडेंट मेंशन किया है वो मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था बाय सारा अहमद, she's a very interesting philosopher, usne ek reference diya tha Frantz Fanon ka, the Algerian writer, where he mentions you know Audre Lorde, I'm sorry, not Frantz Fanon, but Audre Lorde ka usne ek excerpt likha tha of the same thing jo aapne mention kiya hai ke mother apne bacche ko clench karti hai ek black person se jab wo samne aata hai and एक फियर जैसे पैदा हो जाता है उस बच्चे में बचपन से ही, एक इंटरनलाइज हो जाता है कि ओ दिस इज अ पर्सन दैट आई शुड बी अफ्रेड ऑफ, ये पर्सन एक फियर का यू नो ऑब्जेक्ट है, तो उस पर्सन को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखा जाता, एज अ फियरफुल ऑब्जेक्ट देखा जाता है। और जब तक हम लोग ये बिकॉज दैट इज डीह्यूमनाइजेशन, राइट, वो आप उसको उसकी इंसानियत से निकाल रहे हो, उसकी इंसानियत आप उससे यू नो उससे इंसानियत से खारिज कर रहे हो उससे बेसिकली। तो जब तक आप बेसिक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमननेस जो होती है इंसान की, जब तक आप इंसान को इंसान करके नहीं देखोगे तब तक हाउ विल द सोसाइटी ग्रो? एंड आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज दिस। अब ये भी एक मैं भी एक एक्सेप्ट करता हूँ, ये मसला है कि ये जो पॉडकास्ट है, ये जो शो है, राइट,
ये भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देखेंगे, ये भी वही अपर क्लास देखेगी जिनको ऑलरेडी पता है या जिनको ऑलरेडी हु ऑलरेडी इंटरैक्ट विद यू नो जो मॉल जाते हैं, जो हु ऑलरेडी नो के oh, you know, there are foreign people who are black and black rights movement, ye wo, you know, jo badi posting karte hain ke bhai, you know, American ki black rights movement, they, you know, it's a big deal, right, for them. Lekin inko bhi, kyunki mujhe pata hai ye, main Hyderabad se hoon, main interior se main paida hua tha, I know the way things work, and I know ke Karachi ki elite universities ke jo bachche hain, ya whoever come there, are not aware of minorities, are not aware at all of the minority problems. I have some Gilgiti friends, I have some Hazara friends, and main unki story sunta hun. Ab 4000 logon 4000 students hai hamare university mein, aur usme se koi gin chun ke 20-30 log honge jo minority groups ke honge, and I have never seen a black person on campus. Mere campus mein kabhi maine koi sidhi community ka koi representative nahi dekha, right? एक दो बार आए थे, बट वो भी बीबीसी न्यूज के नाइजीरियन लोग आए थे और ब्रिटिश लोग आए थे, लेकिन अदरवाइज लाइक देयर हैव बीन नो यू नो ब्लैक पीपल ऑन कैंपस, जो कि गलत है, राइट? जो कि इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग के हम लोग अपनी लोकल माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट इट बीइंग एन एलीट यूनिवर्सिटी, और डिस्पाइट इन लोगों को पता है, एवरीवन नोज द काइंड्स ऑफ द कॉम्प्लिसिटी दैट दे हैव, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर. But ये एक you know एक fearful sort of वो बन जाता है, discourse बन जाता है कि आप social media पे तो बोलेंगे कि भाई you know हमारी हम colonized हैं और हम like local जबानों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और local लोगों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, you know अंदरून सिंध और अंदरून लाहौर और अंदरून blah 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 उन सबको अहमियत देनी चाहिए blah, ये सब ये लोग सब बोलते हैं, right? But to actually realize, to actually talk to people, राइट, टू जो असल में बात करना और इंटरेक्ट करना होता है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि अगेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनके आसपास से डिसअपियर हो चुकी हैं, उनके आसपास हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू, और मैं आपसे बात करना चाहता था कि यू नो ताकि हमारे यूनिवर्सिटी के लोग सुने कि भाई इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? माइनॉरिटीज एग्जिस्ट एंड यू नीड टू टॉक टू देम, right? There needs to be more conversation around it. And आपके जो friends हैं, जैसे आपने कहा university के आपके fellows जो सुनेंगे, हमें हम लोगों को आपकी help चाहिए. कम से कम ये बहुत बहुत मुश्किल time होता है जब आप किसी bank के waiting area में बैठे हुए हों, आपके बराबर में seat पड़ी हुई हो और आपका bank में जो second person आया है वो आपके और देखे, सीट की जगह को देखे और फिर वो खड़ा हो जाए. बिल्कुल. मतलब ये इतनी बुरी फीलिंग होती है जिसे मैं वर्ड्स में आपको बयान नहीं कर सकती. बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो बंदा सिर्फ इसलिए या वो औरत सिर्फ इसलिए आपके, मैं अपने लिए कहूँ कि वो औरत सिर्फ इसलिए मेरे बराबर में नहीं बैठ रही क्योंकि मैं शीदी हूँ, मेरे साथ सीट पे कम्फर्टेबली बैठना. आप लोग उससे मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि आप लोग सिस्टम में इन चीजों को खत्म कर सकते हैं. लेजिस्लेशन में बहुत सी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन मतलब मकसद यह है कि चीजें जब तक सेंसिटाइज नहीं होंगी उनका मकसद नहीं निकलेगा. अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं लिखा कि आप किसी भी ब्लैक को उठा के, अगर आपको साबित होता है नहीं होता कि वो चोर है, आप उठा के उसे रास्ते पे घुटने से मार दें, कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो रहा है. सो कॉल्ड वेल अपीयर माहौल में ऐसा हुआ है. तो आप सोच ले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तो किसी को मोस्टली लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, उनको पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन चीज किस चिड़िया का नाम है, तो वहां पे उसकी किस तरह से वायलेशन हो रही होगी. ये सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखे लोग अपने एटीट्यूड से, अपने साइलेंट मैसेजेस से ही बता सकते हैं कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी ह्यूमनिटी जो है ना वो बड़ा होती है. जब आप लोग हमें कोई हर्ट करता है तो हमारे लिए वो सिर्फ वो एक इवेंट नहीं होता, हमारे लिए फिर वो लाइफ टाइम एक मतलब एक ट्रॉमा, इट्स ट्रॉमेटाइजिंग, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है. बिल्कुल, जिससे हम
काफी अरसे तक निकल नहीं पाते। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं अपने लिए, शायद ये मेरे साथ कई साल पहले हुआ हो कि मैं कहीं बैठी हुई हूँ और किसी ने मुझे जस्ट ये रियलाइज करके अपनी आंखों से कहते सीधी औरत बैठी है वो नहीं या, है, या, लेकिन या, अभी भी अगर मैं सोचती हूँ मेरे अंदर से एक अजीब सी चीज उठती है जो मतलब बिल्कुल उसको अभी मैं अपने आप को वो 4-5 साल पीछे लेके जाती हूँ, और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने नहीं किया। अगर बिल्कुल मेरे फीचर्स ये हैं तो ये मैंने नहीं बनाए, मैं डेफिनेटली मेरा ये कसूर नहीं है कि मेरे फीचर्स ये हैं, मेरा मेरा कसूर आप ये कह सकते हैं, मेरा एक्ट मेरा कसूर हो सकता है, मेरा किरदार मेरा कसूर हो सकता है, मेरे फिजिकल अपीयरेंस मेरा कसूर नहीं है। आप उस डेफिनेटली कसूर की सजा दे रहे हो मुझे जो कि मैंने किया नहीं है, और बिल्कुल वो उस चीज को लेकर आप सजा दे रहे हो जिसे मैं चेंज कर नहीं सकती, और अब तो मैं करना भी नहीं चाहती। आपको मेरे इसी फीचर्स के साथ, मेरे इसी मौजूदा फिजिकल अपीयरेंस के साथ मुझे कबूल करना होगा, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी। मैं खुद को अमेरिकन या अफ्रीकन नहीं समझती, मैं इसलिए पाकिस्तान, क्योंकि मेरे मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मैंने यही मरना है, और मेरे वही राइट्स हैं जो किसी भी ग्रीन CNIC होल्डर के हैं। तो मुझे डेफिनेटली यही इज्जत चाहिए, अपने इसी शेप, अपनी इसी शक्ल, अपनी इसी अपीयरेंस के साथ रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि हम आप इसी सिस्टम का पार्ट हैं। आप अगर डेफिनेटली हमें मतलब होपलेस करोगे, आप अगर हमें नेगेटिविटी की तरफ फेंकोगे, तो वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। इस तरह से आप अगर अभी तक कई सालों तक ये चलता रहेगा, शीदी कम्युनिटी के बच्चे इसी तरह से स्कूल से ड्रॉप आउट होते रहेंगे, या इसी तरह आप हमारे यंगस्टर को पुश करते रहोगे, तो मतलब हम पार्ट ना सिस्टम का, सिस्टम खराब होगा। आप ये सोच कैसे सोच सकते हो कि एक हाथ खराब हो गया तो ठीक है, ये खराब होता रहे और खराब होता रहे, डेफिनेटली लेकिन ये डिजीज बढ़ेगा, ये हाथ से आपके पूरी बॉडी पे जाएगा, बिल्कुल क्योंकि भले हम थोड़े हो लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। डेफिनेटली नो यू आर राइट एंड आई थिंक वी नीड टू कल्टिवेट एन एटीट्यूड, एक अलग किस्म का एटीट्यूड कल्टिवेट करना पड़ेगा, एक सर्टेन टॉलरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी इन एकेडेमिया, इन द पब्लिक डिस्कोर्स, in the general imagination of minorities as well. हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम लोग, मुझे बस एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करना था कि औरत मार्च जो है, इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है पाकिस्तान की, आपके मुताबिक, अब आई डोंट नो आप औरत मार्च पे थी या नहीं थी, लेकिन आपके मुताबिक औरत मार्च की जो पॉलिटिक्स है, औरत मार्च की जो एजेंडाज हैं, क्योंकि उसमें उनके एजेंडाज में ये सब कुछ लिखा हुआ था कि यू नो वी आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल माइनॉरिटीज, ऑफ ऑल सेक्सुअलिटीज, ऑफ ऑल जेंडर्स, ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेसेस एंड एवरीथिंग, राइट? तो आपके मुताबिक कितना ज्यादा औरत मार्च की जो पॉलिटिक्स है वो माइनॉरिटी राइट्स को कितना ज्यादा आगे लेकर जा सकती है, या लेकर जा रही है, या नहीं लेकर जा रही? आप what are your points of views on that? मैंने जितनी बात हुई है औरत मार्च के जो है रिप्रेजेंटेटिव, तो ये लोग वही चीज इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑब्वियसली मैं औरत मार्च की सपोर्ट करती हूँ, मैं उसमें इसलिए नहीं थी कि उस टाइम मैं पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन ऑन द फोरम जो भी उनके जो लीडर थे उनके साथ मैं मुख्तलिफ फोरम पे ये कह चुकी थी कि मैं औरत मार्च की सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि उनका एजेंडा क्या है। वो लोग वो चीजें इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाना कोई जुर्म नहीं हो सकता ना। डेफिनेटली थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। आई एम ऑनेस्टली आई एम वेरी ऑनर्ड, मुझे बहुत बहुत लाइक इट्स एजाज फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु हैज लिसन टू अस। And I hope के हमारे पाकिस्तान में, हमारे universities में, हमारी communities में, हमारे मुल्क में एक general attitude cultivate हो, जो inclusive हो, जो sensitive हो, जो मतलब एक 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 discriminatory attitude खत्म हो। I hope हमारी generations और हमारे you know even the older generation, like I hope everyone can realize what problems there are and what problems people face. So thank you so much everyone for joining us, and if you have any questions, you can always leave them in the comments, and like, share and subscribe this video, and thank you so much again for Ms. Tanzila for joining us and for talking to us about such an important matter. Thank you.